हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओलोक दत्तो और आप सब लोगों का स्वागत है मेरा चैनल मेडिफैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसा एक मोस्ट इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों का जानकारी है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि बंड वाटर यानी बोटल्ड वाटर में कभी कभार छोटा छोटा सफेद रंग की टुकड़ा चलती दिखाई देती है। तो ये फ्रेंड्स असल में क्या है, ये कहाँ से आता है, ये हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये हार्ड वाटर डिपॉजिट होता है फ्रेंड्स, मतलब ये मिनरल सॉल्ट, मैग्नीशियम बिकार्बोनेट, कैल्शियम बिकार्बोनेट का संमिश्रण है। अकॉर्डिंग टू WHO ये संमिश्रण, ये हार्ड वाटर डिपॉजिट बॉडी के लिए मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और जितना लीटर पानी हम लोग हम और आप डेली पीते हैं, इनमें से 10-20% कैल्शियम बॉडी के लिए जरूरी होता है। ये हार्ड वाटर डिपॉजिट कभी कभार फ्रेंड्स बाथरूम में भी दिखाई पड़ता है, जैसे कि वाटर टैंक का फ्रंट में एक शीट लेयर जैसा बन जाता है। तो ये भी हार्ड वाटर डिपॉजिट का फॉर्मेशन है। बंद पानी या बोटल्ड वाटर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की संयोजन के कारण व्हाइट पार्टिकल्स जैसा छोटा छोटा टुकड़ा पानी में चलते दिखाई देता है। ये तो गया हार्ड वाटर, लेकिन उसका एक विपरीत रूप है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है? सॉफ्ट वाटर भी नॉर्मल पानी जैसे ही है, लेकिन इसमें मिनरल कंटेंट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। सॉफ्ट वाटर, इसका टेस्ट सॉल्टी है। रेन वाटरफॉल, ये नेचुरली सॉफ्ट वाटर ही है और इसमें मिनरल कंटेंट कम मात्रा में पाए जाने के कारण ये हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं माना गया है। सो आज का इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताना। थैंक यू सो मच।